टिक्स मॉड्यूल टू हंड्रेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रीशन वी कैन डिवाइड द एनिमल्स इंटू वेरियस कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ न्यूट्रीशन फॉर एग्जाम्पल वी हैव हर्बीवोर्स वी हैव कॉर्निवर्स वी हैवनीवोर्स वी हैव डेट रिवोर्स अब ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं सबसे पहले हम हर्बी की बात करते हैं कि हर्बी क्या है हर्बी आर द एनिमल्स दैट ओनली ईट प्लांट्स। ये वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट मैटर के ऊपर फीड करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेबिट की बात करें या गोट की बात करें शीप की बात करें ग्रास होपर्स ये तमाम एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट मैटर के ऊपर फीड करते हैं तो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट मैटर्स के ऊपर फीड करते हैं इनको हर्बीव कहते हैं अब कॉर्निवर्स क्या है द एनिमल्स एनिमल्स ये ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम डॉग या लाइन की बात करें तो ये दूसरे एनिमल्स को किल करके उनके ऊपर फीड करते हैं या फिर ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं अब अगर हम ऑमनी की बात करें तो ओमनी ऐसे एनिमल्स हैं द एनिमल्स प्लांट एंड एनिमल्स यानी ये प्लांट मैटर्स को भी खा जाते हैं और एनिमल्स मीट भी ये खाते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की बात करें मैन फॉक्स रैट क्रोस ये प्लांट मैटर और एनिमल मैटर दोनों दोनों पर फीड करते हैं अब अगर हम डेट्री की बात करें तो डेट्रीव आर द एनिमल्स दैट ईट रिमेन्स ऑफ डाइड एनिमल्स जिस तरीके से अर्थवाम है यानी ये वो एनिमल्स हैं जो डेड मैटर है एनिमल्स जब मर जाते हैं उनकी जो बाक्यात हैं, उनके ऊपर ये फीड करते हैं अब अगर हम हर्बी की बात करें तो हर्बी टू इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ हर्ब हर्बीव आर रोडेंट्स और दूसरा जो ग्रुप है यानी दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं हर्बीवोर्स के रोडेंट्स और अंगूलेट्स रोडेंट्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कुतर कर खाते हैं यानी ये जो भी इसकी फीड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं जैसा कि रैट्स है अगर हम अंगुलट्स की बात करें तो अंगुलेट्स ऐसे एनिमल्स हैं जो जगाली करते हैं रोडंट्स इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ मैमल्स छोटा ग्रुप है लेकिन जो रोडंट्स है ये का सबसे बड़ा ग्रुप है अगर हम अंगुलेट्स की बात करें यानी जगाली करने वाले जो एनिमल्स हैं इनकी बात करें तो इनके अंदर हॉर्सेस शामिल हैं कैटल शामिल है और शीप शामिल है अब अगर हम हर्बीवोर्स की, की बात करें तो इनके जो टीथ हैं, इनके खास तौर पर ये जो प्रीमोलर्स हैं, ये काफी बड़े होते हैं यानी इनका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है और यहां पे ये इनके हैं, इनके कैनाइंस एबसेंट होते हैं अब जो प्रीमोलर और मोलर्स इनका जो ग्राइंडिंग एरिया है वो काफी बड़ा होता है क्योंकि इन्होंने प्लांट मैटर को ग्राइंड करना होता है इसी वजह से इनके जो प्री मोलर और मोलर हैं उनका सरफेस एरिया काफी बड़ा होता है उसके अंदर कैनाइंस मिसिंग होते हैं इन ग्राजिंग एंड ब्राउजिंग हर्बिवोर्स जैसा कि डियर शीप देयर आर नो अपर इंसाइजर्स तो ये हर्बिवोर के टीथ्स के अंदर मॉडिफिकेशन होती है कि इनके अंदर कैनाइंस नहीं होते इनके प्री मोलर और मोलर बड़े होते हैं उनका ग्राइंडिंग एरिया ज्यादा होता है ताकि वो प्लांट मैटर को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर सके तो हर्बीवोर वोर बेसिकली ऐसे एनिमल्स हैं जो के प्लांट मैटर के ऊपर फीड करते हैं हर्बीवोर वोर के दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं एक रोडेंट्स हैं और एक अंगुलट्स है रोडेंट्स जो हैं बेसिकली ये ऐसे एनिमल्स हैं जो के प्लांट मैटर को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं जबकि जो अंगुलट्स हैं ये जगाली करने वाले एनिमल्स हैं